की। देश के बॉर्डर पर सरक्रीक के पास कच्छ की धरती पर देश की सेनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल के साथ आपके बीच दीपावली, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। साथियों, मातृभूमि की सेवा का यह अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। यह सेवा आसान नहीं है। यह मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं हिमालय की बर्फ और ग्लेशियर का शून्य से नीचा तापमान, कहीं नसों को जमाने वाली ठंडी रातें, कहीं गर्मियों में तपता हुआ रण का रेगिस्तान, आग बरसता हुआ सूरज, कहीं धूल भरी रेतीली आंधियां, कहीं दल दल की चुनौतियां और कहीं उफान लेता हुआ समंदर, ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। दुश्मन भी आपको देखकर सोचता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं हुआ उसे भला कौन हरा पाएगा। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका यह अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। यह है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। साथियों, आज जब मैं कच्छ में खड़ा हूं तो यहां हमारी नेवी का जिक्र भी उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सरक्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सरक्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात।